सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस गेम से हैकर लोग धीरे धीरे लीव हो रहे हैं, उनकी आईडीज बैन हो रही है। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2024 आने वाला है, कुछ नया होने वाला है, तो उस तरीके से हम लोग भी कुछ नया करते हैं और ये आईडी हम लोग न्यू बनाए हैं, ठीक है। इसमें जो है कोई भी कुछ भी नहीं होगा और ये फेयर आईडी है, पूरा कूल आईडी, ठीक है। इसमें ना ही कॉइन्स ट्रांसफ़र होगा, ना कुछ भी नहीं होगा भाई, क्योंकि अब हैक्स जो है वो मतलब ख़त्म होने वाला है, तो मज़ा बहुत आएगा। एंड मैं ये चैलेंज करता हूँ कि भाई इस आईडी को मैंने 2024 के पहले, एक महीने पहले ही बना लिया, मतलब 10-15 दिन पहले, तो 2024 ही मान लो। एंड मैं इस आईडी को 2024 में बनाया हूँ एंड देखते हैं एक साल में इस आईडी को हम लोग कितना तक खेल सकते हैं, कितना अच्छा आईडी इसको बना सकते हैं, वो भी प्रो आईडी, ठीक है। अब जो होगा इस आईडी का भी वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा और ये आईडी भी मेरी सेकेंड आईडी बन जाएगी, तो बहुत ही ख़तरनाक। और इस आईडी में आज हम लोग कैरम पास बाय करने वाले हैं, क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर देखो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी बहुत सारे आईडीज जो है बैन हो रही है, और कैरम पास मतलब जो कॉइन्स ट्रांसफ़र होता है ना, उससे भी आईडीज बैन हो रही है, और जो ऑटो हैक यूज़ कर रहे हैं उसका तो आईडीज बैन हो रही है, लेकिन जो कॉइन्स ट्रांसफ़र किए थे उसकी भी आईडीज बैन हो गई है बहुत सारे। शायद आप में से किसी का हुआ होगा शायद, जो भी कॉइन्स ट्रांसफ़र किए थे। एंड मैं आपको बता दूं कि भाई ये यूट्यूबर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, यूट्यूबर यानी कि देखो नियम जो है ना वो सभी के लिए साफ होती है, बराबर होती है। एंड मैं भी कुछ दिन से जो है अपनी न्यू आईडी को ओल्ड आईडी से गेम प्ले नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे डर है भाई कि वो आईडी बैन ना हो। एंड मैं उस आईडी से मैं गेम प्ले नहीं करूँगा कुछ दिन बस। एंड ये मेरी न्यू आईडी है एंड मैं न्यू आईडी से गेम प्ले करूँगा, और इस आईडी में, ठीक है, आप लोग को एक नूब टू प्रो आईडी बना करके दिखाऊंगा। इतना खतरनाक ये आईडी होगा ना, मैं क्या ही बोलूँ यार, मज़ा आएगा आप लोग को इस आईडी में देखकर। तो मैंने भी सोचा यार कुछ न्यू करते हैं, कुछ नया करते हैं 2024 में इस आईडीज को लेकर, ठीक है। तो ये देखो मेरी आईडी, एंड मैंने इसको नाम रखने का 2.0 का वर्जन क्या रखना चाहता था, बट हुआ नहीं, बट मैंने फाइनली वही नाम रख दिया, यश, ठीक है। एंड ये सही है, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को गेम प्ले करने में। और इस आईडी से मैं देखना चाहता हूँ कि यार अभी तो यार कोई भी हैक वगैरह यूज़ नहीं होगा, क्योंकि चाहे BTM यूज़ करो, चाहे वो लूलू बॉक्स यूज़ करो, आपका आईडी 100% बैन होना ही होना है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी BTM प्लेयर हैं या फिर ऑटो प्लेयर हैं, तो भाई प्लीज़ यार बंद कर दो भाई, नहीं तो आपकी आईडीज भी बैन हो जाएगी बहुत जल्द, क्योंकि मैंने क्लिप अभी काम करी उसी पर, एंड आपकी आईडीज भी बैन हो सकती है। चाहे आप लूलू यूज क्यों ना करो, लेकिन अभी यूज छोड़ दो भाई और हैक बंद कर दो अब से। अब 2024 आ चुका है, नया साल आ चुका है, और कुछ नया स्टार्ट करो, अपना फेयर स्किल को मजबूत बनाओ। और इससे अपना फेयर स्किल जो है मजबूत बनने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और गाइस एंड मैं इस साल में जो मैंने वीडियोस बनाए, उस वीडियोस को मैंने ओल्ड वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखा कि भाई मैंने कैसा गेम प्ले किया है, नई गेम प्ले किया है, एंड इन हैकरों का सामना किस तरीके से मैंने किया है वो मुझे पता है, एंड आप लोगों को भी पता है कि भाई यश भाई ने किस तरीके से सिंगापुर में गेम प्ले लाया है इस टाइम पे, जो कि ऑटो प्ले का जमाना चल रहा था एक। और फाइनली हम लोगों ने एक कैरम पास यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे, लेकिन क्या करें, खेलना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं कुछ बॉक्स अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, क्योंकि अपने पास ज़्यादा कॉइन्स नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने ऑटो प्लेयर का सामना किया, आप लोगों ने ये हालत तो देखी होगी भाई, क्या ही बुरा परिस्थिति था फेयर प्लेयर की। लेकिन अब नहीं गाइस, अब नहीं होगा ये परिस्थिति हम लोगों के सामने। एंड जो भी आएगा यार, अगर ऑटो हैक अगर बैन हो जाती है ना भाई, तो मेरी जो आईडी है ना, मैंने भी कॉइन्स ट्रांसफ़र किया है उससे, क्योंकि उस टाइम सभी के सभी यूट्यूबर्स ने कॉइन्स ट्रांसफ़र किया किसी ना किसी से। एंड ट्रांसफ़र करेगा भी क्यों ना यार, आप मतलब कॉइन्स कैसे, मतलब कहाँ से पाए यार, क्योंकि हम लोग को कंटेंट जो है रोज़ डालना था, रोज़ डालेंगे कंटेंट तो कहाँ से कॉइन्स पाएंगे भाई। वो भी मैंने सिंगापुर का वीडियोस दे रहा था आप लोगों को, तो कहाँ से कॉइन्स पाऊंगा यार, कॉइन्स तो ट्रांसफ़र करके लेना ही पड़ेगा किसी से खरीद के, ठीक है। तो मैं ले रहा था बस यार, एंड इसलिए मैं कुछ दिन से भी उस आईडी से गेम प्ले नहीं करूंगा, ताकि यार मिनी क्लिप की नज़रों में ना आ जाए वो आईडी, एंड नज़रों में है एंड हो सकता है वो बैन हो जाए, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरी मेन आईडी भी अगर बैन हो जाती है ना, तो ऑटो प्लेयर के लिए वो भी कुर्बान है भाई, मैं हंसते हंसते वो आईडी भी दे दूंगा भाई अगर बैन हो भी जाती है तो। क्योंकि जो जो आईडी अभी ना गाइस, क्या है ऐसा सीन, मतलब कि कैरम अगर कॉइन्स ट्रांसफ़र भी करते हो तो आपका आईडी बैन हो सकता है, बहुत सारे आईडीज का बैन हो भी गए हैं, ठीक है। जिसका कॉइन्स रिसेट नहीं होता है उसका आईडी बैन हो जाती है, अगर आपने कॉइन्स ट्रांसफ़र किया है ऑटो नहीं लगाया है तो ये भी इनलीगल है, ठीक है, कॉइन्स ट्रांसफ़र करना, एंड बैन हो सकती है। एंड देखो यार, कैरम पास हम लोगों ने बाय कर लिया, और मेरे पास कॉइन्स नहीं थे ज़्यादा, यहाँ पे हम लोगों ने एक गोल्डन सॉल्ट जो है उसको कलेक्ट कर लिया, और इस गोल्डन सॉल्ट को ट्राई करते हैं। खैर उस आईडी की बात छोड़ो अभी, तब तक फिलहाल के लिए इस आईडी से गेम प्ले देखो, मजा आएगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये मैंने न्यू आईडी बनाएंगे और इसको प्रो आईडी बनाएंगे, और देखते हैं यार बंदे लोग मुझे पहचान पाते कि नहीं।
ठीक है, बंदे लोग को कॉल कर दे, क्या क्या बोल रहा है यार, ये आप लोगों ने सुना होगा, बंदे लोग को कॉल कर दे, लड़के वाले घुस गए तो ये आवाज़ होती है, एंड ये सुना होगा यार, ये मुझे ऑटोमेटिकली माइंड में याद आ गया, एंड क्या बोलूँ यार, बंदे बोला ना मैं, ये मुझे ऑटोमेटिकली याद आ गया। एंड यहाँ पे गोल्डन शॉट है, इसको ट्राई करते हैं, इसको परफेक्ट मारने की ट्राई करेंगे, क्योंकि हम लोग को परफेक्ट मारना ही है भाई। अगर इसको मिस कर देते हैं हम लोग 1500 जेम्स मिस कर देंगे, और हम लोग को कतई मिस नहीं करना है इस शॉट को, ठीक है। और परफेक्ट हम लोग यहाँ पे मार चुके हैं गोल्डन शॉट, एंड 1500 जेम्स मिल चुके हैं, 2479 जेम्स हो चुके हैं अपने पास, और डेला के कॉइन्स, और अभी बॉक्स भी है, तो देखते हैं एक दो बॉक्स ओपन करके। अभी दो बॉक्स ओपन हो चुका है, तीन बॉक्स पड़ा हुआ है शायद, ठीक है, तो दो बॉक्स ओपन कर लेते हैं, शायद कुछ स्टैगर वगैरह मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। यार मैंने ओपन भी कर लिया क्या बात बात में, ओ यार ओपन तो कर लिया है मैंने, मैं कहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ यार, खैर मज़ा आएगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस आईडीज़ में, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि अभी कौन कौन सी आईडीज़ बैन हो रही है भाई, कम से कम 100 से मतलब डेली यार, डेली कम से कम 200 300 400 500 आईडीज़ बैन हो रही है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो कौन कौन सी आईडीज़ है जो बैन हुई है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग गेम प्ले स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा गेम प्ले इस आईडी से स्टार्ट करेंगे, एंड मज़ा आएगा आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने में। जैसे कि आप लोग को पता है 140,000 के कॉइन्स मेरे पास हो चुके हैं, और 2480 जेम्स हो चुके हैं मात्र 4 लेवल में। अभी ये कैरम पास अगर पूरा अनबॉक्सिंग हो जाता ना तो बहुत सारे हो जाते यार, आप लोग को पता नहीं हो तो, ठीक है। तो गेम प्ले कनेक्ट करते हैं, अभी ज़्यादा ब्रेड टेबल्स में गेम प्ले नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी कुछ है हैकर्स जो हैक कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि भाई आईडीज़ भी बैन हो रही है, तो वो लोग हैक कर रहे हैं भाई, करो यार, जब पता चलेगी तो तब तक उसकी आईडीज़ भी बैन हो जाएगी, एंड जो मेरे सामने आया तो उसकी आईडी तो बैन होगी भाई, हैक यूज़ करेंगे तो। एपिक कनेक्शन खेलते हैं, ये पक्स पॉकेट हो चुकी है, एंड ये आप लोगों ने ईजिली विन कर लिया। मैं ज़्यादा सिंपल तरीके से दिखाऊँ, ज़्यादा मतलब कटवट नहीं, ज़्यादा मतलब नहीं दिखाऊँगा ताकि आपका टाइम पास हो, ओके। एंड देखते हैं यार सेकंड गेम प्ले लगाते हैं, एंड मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा भाई कि किस तरीके से इन लोगों की आईडीज़ बैन हुई है, ठीक है। तो ज़रूर बने रहना उस आई, उन लोगों की आईडीज़ में शो करने वाला हूँ, प्रूफ दिखाने वाला हूँ भाई, इतनी सारी आईडीज़ जो है वो बैन हुई है। एंड ये हमने सेकंड गेम प्ले कनेक्ट किया मुंबई में, ओके। एंड 257 भाई नेम है इसका, 257 12 लेवल, ओके। गेम कनेक्ट हो चुकी है, एंड यहाँ पे देखो यार ब्रेक जो है इन्होंने मिस कर दिया है, एंड ब्रेक जो है फाइनली अपने पास आ चुकी है, और स्टैगर का पावर देखो यार, स्टैगर का पावर वगैरह सब कुछ कम है बहुत ज़्यादा, तो बहुत संभाल के खेलना पड़ेगा इसको हम लोग को, बहुत संभाल के इसको फिनिशिंग मारना पड़ेगा। इसको सिंपल खेल लिया, देखो फिनिशिंग देखो यहाँ का, ओके। इसको भी सिंपल खेल लेते हैं लेफ्ट साइड में, एंड अभी क्या करेंगे जो ये वाली पक है इसको थोड़ा सा फास्ट खेलेंगे इस तरीके से, एंड ये स्टैगर अभी ज़्यादा मतलब भाग नहीं रही है, मतलब भाग नहीं रही है, मतलब चल नहीं रही है, दौड़ नहीं रही है, क्या बोलूँ मैं इसको, क्योंकि पावर्स एम वगैरह बहुत कम है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से मारेंगे, बम शॉट फास्ट मारा यहाँ पे हम लोगों ने, हमने सोचा कुछ हो जाए बट कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन देखो किस तरीके से तुम्हारा भाई यहाँ पे पॉकेट करता है। इसको कनेक्शन खेलेंगे ओपोनेंट के पक के साथ, और ये हो चुकी है। एंड अभी क्या करेंगे, जो ऊपर वाली पक है ओपोनेंट के, दोनों ओपोनेंट के मतलब दोनों ओपोनेंट कौन है यार, मतलब एक ही ओपोनेंट है, उसके बीच में दो पक्स है, अरे यार बगल में पक्स है, उसके बीच में मेरी पक्स थी, उसको मैंने खेल लिया, मैं भी क्या क्या बोल रहा हूँ, इसको खेले कि हम फास्ट। अभी देखो यार मुझे एक चीज़ का फ़ायदा हो गया, जो लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में पक फंसी हुई थी उसको निकालने का जगह मिल गई, इससे हम लोगों ने इसको फास्ट खेला, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, थोड़ी बहुत फंस चुकी है, लेकिन तुम्हारा यश भाई है जिंदाबाद, ओके। इसको खेल लेते हैं, एंड ये हो चुकी है पॉकेट। अभी ये वाली जो पक है इसको इजीली हम लोग खेल सकते हैं राइट साइड में, बहुत ही स्लो खेलना पड़ेगा ध्यान से, ताकि ओपोनेंट की पक वो टच ना हो। ये देखो पूरा क्लियरली फिनिश हो चुका है ये गेम प्ले, होप यार न्यू आईडी से ये फिनिश था, बहुत ही अच्छा था। एंड देखते हैं यार अपने पास हो चुके हैं 229,000 के कॉइन्स, एंड देखते हैं यार अभी, एंड 18 लेवल तक कैरम पास जो है वो ओपन हो चुका है, एंड ये देख सकते हो गाइस ये जितने भी है वर्ल्ड के टॉप पर है, कम से कम 100 से भी ज़्यादा आईडीज़ बैन हुई यार। इन लोगों की आईडीज़ में आप लोग कैसे देख सकते हो कि इन लोगों की आईडीज़ बैन हुई या नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि यार इन लोगों की आईडीज़ पे ना आप लोग प्रोफाइल पे क्लिक करना, ठीक है, प्रोफाइल पे क्लिक करके इन लोगों की टोटल वगैरह विनिंग्स देखना, टोटल विनिंग्स, ठीक है, मतलब करेक्ट विनिंग स्ट्रिक देखना आप लोग कितने लेवल तक, यानी कि जीरो रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो इसकी जीरो है, करेक्ट विनिंग स्ट्रिक जीरो है। आप लोग थोड़ी देर में भी बात देखोगे या फिर आधा घंटा 10 मिनट बाद भी देखोगे, इन लोगों का जीरो ही रहेगा, क्योंकि इन लोगों की आईडीज़ बैन कर दी गई है, मिनी क्लिप ने बैन कर दिया है, क्योंकि इन लोग बहुत ज़्यादा ऑटो लगा कर खेले थे, और किसी का जो है और मतलब ट्रांसफ़र करके भी बैन हो चुका है कॉइन्स ट्रांसफ़र करके, तो ये नहीं होना चाहिए था बट हो चुका है, तो ये भी इनलीगल ही है, बट कोई नहीं यार, अगर इसमें मेरी भी आईडीज़ बैन हो जाती है तो मैं भी बुरा नहीं मानूंगा भाई, एंड कॉइन्स ट्रांसफ़र करना ये भी बुरी बात थी,
बट क्या करें, उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसा था तो ट्रांसफ़र करना पड़ता था। एंड मिलते हैं यार बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इन लोगों की आईडीज बैन हो रही है, ऑटो प्ले बैन हो रहा है, इस पर आप लोगों क्या सजेशन है, बाय।